यहाँ से दो सड़कें जाती है, अगर मैं जाऊँगा निचले वाले रूट से तो मैं पहुँचूँगा पंथाघाटी, महली, बट्टाकूफर। अगर मैं जाता हूँ ऊपर और ऊपर वाले सड़क से तो मैं पहुँचूँगा वाया कुसुमटी बाज़ार होते हुए छोटे शिमला, छोटे शिमला से फिर दोबारा संजौली। कुछ मोहतरमाएँ घूमने निकली है, क्यों ना निकले, मौसम जो सुहाना है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एप्पल्स एंड ट्रैकर के सभी व्यूवर्स का एक बार फिर से स्वागत है हमारी वीडियो सीरीज एक्सप्लोरिंग हिमाचल में। सो गाइस, आज मैं करने जा रहा हूँ मोटो व्लॉग। जी हाँ, जिसे आप देख रहे हैं इसे कहते हैं मोटो व्लॉग। इसे टू व्हीलर पर शूट किया जाता है, सो वो कर रहा हूँ। और इस वक्त मैं अपने होम टाउन शिमला में ही हूँ और डिंगू माता मंदिर की तरफ से नीचे की तरफ उतर रहा हूँ, संजौली की तरफ। तो आज शिमला शहर के इस एक छोटे से टुकड़े का मोटो व्लॉग किया जाएगा, जो कि शायद आपको अच्छा लगेगा। और अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो फाइनली मैं पहुंच गया हूँ मार्केट प्लेस में, तो इसे कहते हैं संजौली, हार्ट ऑफ शिमला। तो दोस्तों, यहाँ खाने पीने रहने सहने की हर चीज़ की फैसिलिटी भरपूर है, दवाई से दारू तक यहाँ मिलती है। सो आज संडे है तो पूरा मार्केट सुना सुना सा है। संजौली में थोड़ा सा ट्रैफिक का इशू रहता है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। तो अब आ जाता है संजौली चौक, संजौली बाज़ार का चौक है ये, और मुझे जाना है अब लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड निकलूँगा मैं यहाँ से, वैसे तो तीन सड़कें कटती यहाँ से, लेकिन मुझे जाना है लेफ्ट साइड। वो सबसे पहले आ जाता है गुरुद्वारा साहिब, सतनाम वाहेगुरु, वाहेगुरु खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। तो संजौली शहर में ही है एक पेड पार्किंग, जो कि मेरे लेफ्ट साइड आप देख रहे होंगे। यहाँ पर आप अपनी गाड़ी पार्क करिए, फिर बिंदास होकर संजौली शहर घूमिए। सो गाइज, इस पूरे पॉइंट को कहा जाता है काले पहाड़। काले पहाड़ इसलिए कि क्योंकि यहाँ है ब्लैक ब्लैक कलर के चट्टान, तो इस करके इसे काले पहाड़ कहा जाता है। और यहाँ पहुँचकर हर कोई 2 मिनट के लिए रुकता ज़रूर है, क्यों और किस लिए ये जस्ट अभी आपको पता चल जाएगा। पहले मैं इसे पार्क कर देता हूँ, यही कहीं करता हूँ, यहाँ जैसे इसे पार्क करते हैं। तो यहाँ से दिखता है जी संजौली का एक पूरा व्यू, जो कि आप देख रहे हैं। तो अब चलते हैं यहां से आगे की ओर। तो अब हम पहुंच रहे हैं नवबहार, नवबहार कहते हैं इसे। यहाँ पर है एक गर्ल्स कॉलेज जिसे कहते हैं सेंट बीट्स कॉलेज। हमारी बॉलीवुड स्टार प्रीति जिंटा जी भी यहीं से ही हैं, संजौली से, और उनका जो कॉलेज का जो पूरा समय है वो यहीं गुजरा है सेंट बीट्स कॉलेज में। यहीं से उन्होंने अपनी बीए की परीक्षा पास की है। आज संडे है तो इस करके सब कुछ सूना सूना सा लग रहा है, अदरवाइज़ यहाँ काफ़ी रश रहता है आशिकों का, आशिक लोग यहाँ मंडराते रहते हैं। तो फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ छोटा शिमला, और सामने है सेक्रेटरिएट। वीआईपी लोग यहाँ बैठते हैं और पूरा हिमाचल का भविष्य यहाँ पर लिखा जाता है, सेक्रेटरिएट। ये पूरा इलाका जो है वो है छोटा शिमला का इलाका है।
काफ़ी बड़ा बाज़ार है। और सामने जो दिखाई दे रहा है आपको लाल रंग का जो लगाया बैनर सा, यह है आशियाना रेस्टोरेंट, आशियाना रेस्टोरेंट एंड बार। जिस रास्ते से इस वक्त मैं गुजर रहा हूँ, इसे कहते हैं निगम विहार। निगम विहार इस जगह का, पूरे जगह का नाम है। अब नाम क्यों है ये मुझे नहीं पता, पर कहते हैं निगम विहार। यहाँ से मैं अगर आगे निकलूँगा तो पहुँचूँगा ओल्ड बस स्टैंड, लेकिन मुझे जाना है लेफ्ट साइड यहाँ से नीचे की ओर, तो सबसे पहले स्टेशन आएगा खलीनी। तो इसे कहते हैं खलीनी चौक। यहाँ से सीधे बीच वाली सड़क से मैं निकलूँगा आगे की ओर, और ये सड़क है वन वे, याद रखें ये सड़क वन वे है। यहाँ से आप जा सकते हैं लेकिन आ नहीं सकते। अगर आप यहाँ से वापस आए तो आपका चलान होना 100% श्योर है। तो चलते चलते मैं पहुंचा सीधा आगे की ओर। यहाँ मैंने कनेक्ट किया NH को, तो यहाँ से निकलूँगा मैं लेफ्ट साइड, और ये पूरा इलाका जो है इसे कहते हैं खलीनी। सो गाइस, खलीनी को क्रॉस करने के बाद सबसे पहले हमें देखने को मिलता है लेफ्ट साइड माता रानी जी का दरबार। जय माता दी, जय माता जी, माता दी। ये पूरा इलाका BCS कहलाता है। दरअसल यहाँ पर एक स्कूल है जिसका फुल नाम है बिशप कॉटन स्कूल, उसी स्कूल के आधार पर यहाँ का नाम रखा गया है BCS। काफ़ी हाई लेवल का स्कूल है। यहाँ से एक सड़क कटती है राइट साइड नीचे की तरफ। अगर हम नीचे की तरफ जाएंगे तो हम पहुँचेंगे न्यू शिमला। तो हमें न्यू शिमला ना जाते हुए मुझे जाना है आज आगे की ओर। यहाँ से दो सड़कें जाती है। अगर मैं जाऊँगा निचले वाले रूट से तो मैं पहुँचूँगा पंथाघाटी, महली, बट्टाकुफर। अगर मैं जाता हूँ ऊपर और ऊपर वाले सड़क से तो मैं पहुँचूँगा वाया कुसुमटी बाज़ार होते हुए छोटे शिमला, छोटे शिमला से फिर दोबारा संजौली। तो चलते हैं इसी रूट पे। सच मानो तो आज काफ़ी अच्छा सा लग रहा है, सुहाना मौसम और खाली सड़क, क्या बात है। सो गाइस, ये वाला पूरा इलाका है कुसुमटी बाज़ार का इलाका। यहाँ पर है एक तिब्बतियन आयुर्वेदिक सेंटर, जिसे आप तिब्बतियन क्लिनिक भी बोल सकते हैं। अगर आप किसी बीमारी से ग्रस्त हैं तो आप यहाँ पर आकर अपना इलाज करवा सकते हैं एकदम बिंदास कम पैसों में। सो अब मैं आ चुका हूँ कुसुमटी के ओल्ड मार्केट पे। अगर मैं आगे जाता हूँ तो मैं पहुँचता हूँ ओल्ड मार्केट, लेकिन मुझे जाना है लेफ्ट साइड। तो यहाँ से आगे हम निकलेंगे कुछ छोटा शिमला के लिए। तो सबसे पहले यहाँ आ जाता है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कुसुमटी। तो हमारे ज़माने में ये वाला स्कूल बिल्कुल बेकार सा हुआ करता था, लेकिन अब काफ़ी अच्छा बन गया है। दायरा भी उन्होंने अपना काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है। बिल्कुल मेरे लेफ्ट साइड आप देख रहे होंगे, तो ये है सीनियर सेकेंडरी स्कूल कुसुमटी। तो अब यहाँ आगे चलकर थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं। वहाँ उस तरफ रह जाता है BCS, और वो सामने थोड़ी दूरी पर अगर हम देखें तो सामने है तारदेवी वाले इलाका, और इधर को तारदेवी टेंपल। तो यहाँ नीचे पूरा ये एरिया जो है ये है कुसुमटी बाज़ार का एरिया। तो चलते हैं यहाँ से आगे की ओर।
आज एक पूरा मतलब एक मुद्रिका कहते हैं हमारे लोकल भाषा में, तो एक मुद्रिका होने वाला है, एक राउंड सा लगाते हैं आज शिमला शहर के छोटे से टुकड़े का। इस पॉइंट को कहते हैं ब्रॉडकास्ट। सो गाइस, आज एक स्पेशल चीज दिखाने जा रहा हूँ आपको, मेरा बचपन का स्कूल जहाँ पर मैंने अपनी स्कूलिंग की है। मेरे लेफ्ट साइड नीले वाला गेट, यहाँ सामने जो देख रहे हैं आप, इसे कहते हैं CST तिब्बतन सेंट्रल स्कूल। यहाँ पर कई सारी यादें हैं मेरे बचपन की। ओह माय गॉड, मेरा स्कूल। तो छोटा शिमला को क्रॉस करने के बाद फिर से आ जाते हैं दो सड़क, एक जाती है आगे की तरफ, तो मैं आगे की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा लेफ्ट साइड, यहां से ऊपर घूमते हुए फिर निकलूंगा संजोली। तो चलते हैं यहां से ऊपर, लेकिन याद रहे कि ये वाली सड़क छोटी गाड़ी के लिए है, बड़ी गाड़ी यहाँ पर मूव नहीं करती है, तो ध्यान रहे। यहाँ पहुंचकर हमें यहाँ से आगे की ओर नहीं जाना है, हमें जाना है राइट साइड। आगे की तरफ निकलेंगे तो फिर हम पहुंचेंगे माल रोड, तो फिलहाल माल रोड नहीं जाना है मुझे, मुझे जाना है संजोली, तो मैं यहाँ से ऊपर की ओर निकलूँगा। इसे कहते हैं फॉरेस्ट रोड, ये पूरा इलाका फॉरेस्ट के अंडर है, सो इसे कहते हैं फॉरेस्ट रोड। आज पहली बार इस तरह से घूम रहा हूँ तो काफ़ी अच्छा सा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है ज़रूर बताएं। और सामने आ जाता है एक छोटा सा पार्क, यहीं पर ही मैं सुबह आकर कई बार एक्सरसाइज वगैरह करता हूँ, तो इसे कहते हैं फॉरेस्ट रोड। सो गाइस, घूमते घूमते मैं पहुंच चुका हूं वापस उसी जगह जिसे कहते हैं नव बहार। तो पहले यहां पर कुछ खाया जाए, कुछ खाना पीना किया जाए। जस्ट अभी अभी मैंने खाए गोलगप्पे, तो साथ ही बन रहा था हॉट डॉग, तो हॉट डॉग मुझे काफ़ी टेस्टी लग रहे थे, तो इस करके हॉट डॉग खा रहा हूँ। अब थोड़ी देर बाद आगे जाऊँगा, फिर पीऊँगा कॉफ़ी, तो हॉट डॉग खाया जाए। ऑल राइट, तो हॉट डॉग मैं खा चुका हूँ, तो अब चलते हैं आगे की ओर, आगे चलकर पीते हैं कॉफ़ी।
कुछ मोहतरमाएँ घूमने निकली है, तो क्यों ना निकले, मौसम जो सुहाना है, तो यहाँ पर पीते हैं कॉफ़ी। तो इसे कहते हैं हार्ट ऑफ द शिमला, संजौली। संजौली का जिक्र इससे पहले भी कई बार आपने मेरे ज़बान से सुनी होगी। तो यही है वो संजौली जहाँ पर मैं रहता हूँ, और आज के इस व्लॉग को बस यहीं पर एंड करता हूँ। मिलता हूँ अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टिल देन बाय।